डी स्टूडेंट्स नो वी आर डिस्कसिंग हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज एंड रेगुलेशन विद रेफरेंस टू आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन आकुपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन वर्जन ट्वेंटी टू जीरो थ्री विच एक्सप्लेन एम्प्लॉज राइट्स एंड ड्यूटीज़ इस पोस्टर का ये मकसद है कि कौन कौन से काम जो जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा हैं इम्प्लाईज़ ने करने हैं और कौन कौन से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको उन्हें परफॉर्म करना है आकुपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन की जो साइटेशन रिसीव्ड हुई है फॉर फेलियर टू मीट स्टैंडर्ड्स इसमें यह कहा गया है कि टाइम ऑर्गनाइजेशन की सर्टिफिकेशन तो उनके पास होती है लेकिन उन स्टैंडर्ड्स की अप्लीकेशन नहीं होती जैसा कि आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन फॉर्म थ्री थाउजेंड ए अब ये जो थ्री हंड्रेड ए है ये समरी वर्क प्लेस इंजरीज एंड एल्स की है जिसके अंदर तमाम इंप्लाईज़ का डेटा होना चाहिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस फॉर्म को हंड्रेड परसेंट फिल नहीं किया जाता या किया गया जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्टिफिकेशन है उनको लेने का जो मकसद है वो सही तरीके से फुलफिल नहीं हो पाता अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसिस समाइम इम्प्लायर्स आर इन्फॉर्म दैट विद इन द ट्वेंटी फोर आवर अ विजिट मे बी कंडक्टेड जस्ट टू चेक देर आई एस ओ सर्टिफिकेशन रिगार्डिंग फोर्टीन थाउजेंड वेन इमिनेट डेंजर कंडीशन एग्जिस्ट

और इन चीज़ों को चेक किया जाता है जो आई एस ओ सर्टिफिकेशन का हिस्सा होते हैं दैट रिसीव ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन साइटेशन फॉर हाई ग्रेविटी आर सब्जेक्ट टू एनहांस एनफोर्समेंट मेजर्स विच आर एज फॉलो अप इंस्पेक्शन होनी चाहिए एक दफ़ा सर्टिफिकेशन ले ली उसके बाद फॉलो अप क्या उन चीज़ों को बाकायदगी से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा प्रोग्राम इंस्पेक्शन प्रोग्राम का मतलब तयशुदा इंस्पेक्शन जो पहले से बता के की, की जाती है पब्लिक अवेयरनेस अमंग द एम्प्लॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेटलमेंट अगर कुछ केसेस आपके डिस्प्यूटेड हैं जो कि लिटिगेशन में चले गए हैं अदालतों में हैं उनको प्रॉपर सेटलमेंट का टाइम दिया जाता है उसके बाद इंस्पेक्शन की जाती है सेक्शन अलेवन बी समरी एनफोर्समेंट समरी एनफोर्समेंट ऑर्डर का ये मतलब है कि द किल दर्डर्सूड बाई देशन सेफ्टी हेल्थ

इंजरी वाकया नहीं हो सकती या बहुत ज़्यादा इलनेस जिसकी वजह से नहीं हो सकती तो ये बहुत सीरियस वायलेशन नहीं होती लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वायलेशन मस्ट बी स्टॉप और वायलेशन मस्ट बी कंट्रोल्ड अब ये कुछ फिगर्स यहाँ बयान किए गए हैं अ अपरपोज पेनल्टी ऑफ अपू सेवन थाउजेंड डॉलर फॉर रीच वायलेशन इज डिस्क्रिशनरी जो इंस्पेक्शन कमेटी के हेड है उसका राइट right है कि वो सात हज़ार तक डॉलर इम्पोज पेनल्टी कर सकता है मे बी एडजस्टेड डाउनवर्ड बाई नाइन्टी फाइव परसेंट इसको मज़ीद कम भी किया जा सकता है लेकिन इससे अपर लिमिट अलाउड नहीं है वायलेशन इन विच देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट डेथ प्राइबिलिटी सीरियस फिजिकल इंजरीज में यहाँ पे वायलेशन अगर आप कर रहे हैं जिसकी वजह से इम्प्लॉज की हेल्थ और इंजरी या डेथ के चांसेस हैं इसकी वायलेशन के ऊपर पेनल्टी ज्यादा इम्पोज की जा सकती है नंबर टू आर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन को बंद भी किया जा सकता है क्योंकि ये सीरियस किस्म की इंजरीज है इसको हम लोग सीरियस वायलेशन बोलते हैं विलफुल वायलेशन विलफुल का मतलब है कि अपनी मर्जी से हम वायलेशन कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल साइन बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ से गुजरना मना है आप वहीं से गुजरते हैं साइन बोर्ड लगा हुआ है कि स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड आप वहीं स्मोकिंग कर रहे हैं ये विलफुल वायलेशन है कि हम चाहते हुए जान बूझ के वायलेशन कर रहे हैं दिस इज आल्सो नॉट अलाउड इन ऑर्गेनाइजेशन और नीचे रिपीट वायलेशन को भी हम देखते हैं सम टाइम वायलेशन हो गई अन इंटेंशनली लेकिन हम उस अन इंटेंशली को रिपीट कर रहे हैं अगेन एंड अगेन दिस इज रिपीट वायलेशन इट इज़ आल्सो नॉट अलाउड बाय आईएसओ सर्टिफिकेशन फेलियर टू अबेट प्रो वायलेशन फेलियर टू करेक्ट अ प्रो वायलेशन मे ब्रिंग सिविल पेनल्टी फॉर इच डे एट द वायलेशन कंटिन्यू बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब डेट डी मिनिमाइज प्रस्क्राइबाइज अब ये जो वायलेशन है डी स्टूडेंट्स ये विलफुल भी हो सकती है लाफुल भी वायलेशन हम समाइम अनलाफुल कर जाते हैं सम टाइम रिपीटडली वायलेशन होती है विलफुल वायलेशन होती है लेकिन इन सब वायलेशन का ये मकसद है कि जो चीज़ें आई एस ओ स्टैंडर्ड्स या इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के जो एस ओ पीज़ हैं या समाइम इसके अलावा जो एक्ट है इसका आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन है उसकी जो साइटेशन है पेनल्टीज हैं इंटेंशनली हम उनकी वायलेशन कर रहे होते हैं या अन इंटेंशनली वायलेशन इज़ वायलेशन अब उस वायलेशन को चाहे स्मॉल लेवल पर देखें मीडियम लेवल पर देखें या लार्ज लेवल देखें उनको अवॉइड करना ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट की मिडिल मैनेजमेंट की और फर्स्ट ईयर ऑफ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि किसी सीरियस एक्सीडेंट से बचा जा सके